और भाई क्या हाल चाल है सबका, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि गिटार प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने गिटार को कैसे रखते हैं। अब हम में से कई लोग जो है वो गिटार को पैक करके कवर में रख देते हैं, और हम में से कई लोग प्रेफर करते हैं कि गिटार जो है फ्लोर स्टैंड पे रहे या गिटार वॉल हैंगर पे रहे। तो भाई अगर आप गिटार को कवर या केस में रखते हो तो मैंने ये देखा है कि आप जो है गिटार को उतना फ्रीक्वेंटली नहीं निकालोगे जितना कि अगर गिटार सामने खुले में पड़ा है तो आप जो है फिर भी प्रैक्टिस कर लोगे आते जाते। तो यहाँ मेरे साथ भी भाई ये चीज़ है कि गिटार को मैं जो है कवर में ना रख के जो है भारी रखता हूँ। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि 10 गिटार लगे हुए हैं मेरे, तो ये वो सारे गिटार्स हैं जो कि मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ प्ले करना, और टाइम टू टाइम इनमें जो है मैं रोटेशंस भी करता रहता हूँ। तो यार ओवर द टाइम जो है गिटार को बाहर कैसे रखना है इस बारे में भी मेरे जो ओपिनियंस है बहुत चेंज हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये वाला स्टैंड है जो कि काफ़ी पुराना स्टैंड है, आज तक बढ़िया चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं इसकी क्वालिटी में। बट ये भाई बड़ा ही रिस्की स्टैंड है, मतलब आप मेरी वीडियोज़ में भी देखोगे अब मैंने अपने स्टैंड जो है यूजुअली चेंज कर दिए, काफ़ी कम लाता हूँ मैं स्टैंड को, कुछ पर्टिकुलर शॉट्स लेने के लिए मैं यूज़ करता हूँ इसको। तो भाई क्या होता है अगर स्पेस कंस्ट्रेंट हो, जैसे करंटली मेरे सेटअप में भी स्पेस कंस्ट्रेंट आ रखा है, मैंने एक वीडियो में बताया था, तो इस तरीके के स्टैंड में अवॉइड करता हूँ यूज़ करना अगर मुझे फ्लोर स्टैंड यूज़ करने, क्योंकि भाई गिटार गिर जाता है इससे। और भाई इंडियन फैमिलीज में भी तो ये दिक्कत रहती है ना कि भाई हमारे यहाँ अगर 4-6 फैमिली मेम्बर्स है या स्पेस छोटी है, तो भाई आप जहाँ भी गिटार प्रैक्टिस कर रहे हो अगर वहाँ पे आपने गिटार स्टैंड पे रख दिया तो आते जाते किसी फैमिली मेम्बर से गिर सकता है। स्पेशली अगर आपके घर में जो है छोटे बच्चे हैं या पेट्स हैं तो चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं कि गिटार जो है फ्लोर स्टैंड से गिर सकता है। तो यहाँ जो सबसे बढ़िया सोल्यूशन रहता है वो होता है गिटार को वॉल पे हैंग करना। अच्छा हमको सिखा दिया है, अच्छा। नहीं नहीं मेरे को पता है भाई आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी गिटार वॉल हैंगर्स यूज कर रहे होंगे। गिटार वॉल हैंगर्स स्पेस सेविंग होते हैं, वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज करते हैं आपके घर में। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू फ्लोर स्टैंड्स, और एस्थेटिकली भी रूम काफी प्लीजिंग लगता है जब आप गिटार को हैंग करते हैं वॉल पर। लेकिन यहाँ पे जो है मैं आपके साथ कुछ कॉमन मिस्टेक्स शेयर करूंगा जो कि आप में से कई सारे लोग करते हैं गिटार वॉल हैंगर्स को लगाते हुए। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप वॉल हैंगर इंस्टॉल करते हैं तो मेक श्योर उस दीवार में जो है डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। तो अगर आप गिटार को ऐसी वॉल पर लटकाते हैं जहां पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो उससे आपके गिटार की फिनिश खराब हो सकती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि जिस भी वॉल पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो उसके ऑपोजिट या एडजेसेंट वॉल पे जो है आप वॉल हैंगर को लगाइए। सेकेंड पॉइंट है कि ऐसी वॉल पर मत इंस्टॉल करिए जहां पे सीपेज हो। तो भाई सीपेज या जो सीलन होती दीवारों में वो एक कॉमन फिनोमेना है इंडियन होम्स में, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि जिस भी दीवार पे आपको सीपेज दिख रही है या सीलन दिख रही है उस पे जो है गिटार वॉल हैंगर को मत इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वॉल में मॉइस्चर है तो वो आपके गिटार को खराब कर सकती है। एक्सेस ऑफ मॉइस्चर इज नॉट गुड फॉर योर गिटार। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो सेकेंड पॉइंट का ही एकदम ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट इज कि डू नॉट इंस्टॉल योर वॉल हैंगर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द एसी। तो यहाँ पे जहां भी आपका एसी लगा है मेक श्योर कि जो हवा ब्लो हो रही है एसी से वो डायरेक्टली आपके गिटार पे ना आ रही हो जब आपने उसको हैंग कर रखा हो, तो इससे भी जो आपका गिटार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराब हो सकता है। तो जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था कि अगर आपकी दीवार में सीलन होती है इसका मतलब है ज्यादा मॉइस्चर है, और ज्यादा मॉइस्चर आपके गिटार को खराब कर सकती है। उसी तरह जैसे एसी जो है बेसिकली वो मॉइस्चर को सक करता है और ह्यूमिडिटी कम करता है रूम में, तो अगर आपका जो गिटार है वो डायरेक्टली एसी के सामने है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि मॉइस्चर वो एक तरीके से सक कर रहा है और ह्यूमिडिटी कम हो रही है तो इसलिए जो है वो भी गिटार को इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है आप डेफिनेटली एक एसी वाले रूम में गिटार को रखिए, लेकिन जो है डायरेक्टली एसी वेंट के सामने जो है गिटार को अवॉइड करिए। अब चौथा पॉइंट है वो है यूजिंग द करेक्ट वॉल हैंगर एज पर योर गिटार। तो भाई यहाँ पे क्या है वॉल हैंगर्स आपको बहुत टाइप के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है अपने गिटार के हिसाब से एक अच्छा वॉल हैंगर चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यार आप गिटार को एक हाइट पे जो है हैंग कर रहे हो तो अगर ढंग का वॉल हैंगर नहीं यूज करोगे तो गिटार गिर सकता है, और भाई अगर ऊपर से गिटार गिरा तो बहुत डैमेज हो सकता है। तो यहाँ मैं आपको कई वॉल हैंगर्स दिखाऊंगा जिनमें से कुछ आपको यूज करने चाहिए और कुछ आपको नहीं यूज करने चाहिए। तो स्टार्टिंग विद कौन से नहीं यूज करने चाहिए, तो यहाँ पे भाई मेरे पास ये 150 रुपए वाला वॉल हैंगर है जो कि आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहला रूल यही है कि आपको जो है सॉफ्ट फोम वाले वॉल हैंगर्स अवॉइड करने। इनफैक्ट अगर आप कोई फ्लोर स्टैंड भी लेते हो उसमें भी जो फोम है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर फोम सॉफ्ट है बहुत इजीली प्रेस हो रही है तो वो क्या है थोड़े टाइम बाद ही खराब हो जाएगी। दूसरा इस तरीके के सस्ते वॉल हैंगर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसमें जो है छोटा स्क्रू थ्रेड है। तो जब भी आप कोई वॉल हैंगर ले रहे हो जब आपके पास आता है ऑनलाइन अगर आप लेते हो तो उसका स्क्रू थ्रेड जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो स्क्रू थ्रेड है आप देखो कितना छोटा है, तो यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अगर थोड़ा सा महंगा वॉल हैंगर भी लेते हैं, इससे 3 times एक्सपेंसिव वॉल हैंगर लेते हैं
तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जैसे कि भाई ये जो है 500 रुपए के करीब आता है, आई थिंक 450 की रेंज में आता है। तो ये वॉल हैंगर देखने में सही है, इसकी क्वालिटी सही लग रही है, लेकिन यार इसमें बड़ा ही एक यूजलेस फीचर है कि इसमें ना मैनुअल लॉक है। तो भाई आपको गिटार हैंग करना पड़ेगा, उसके बाद इसको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, मतलब ऑटो लॉक नहीं है। तो भाई जरूरी नहीं ना कि हर बार जो है मैनुअली गिटार को लॉक कर पाओगे, और किसी दिन भूल गए तो इस तरीके के वॉल स्टैंड में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इनका डिजाइन जो है वो है तो एक ऑटो लॉक वाले वॉल हैंगर जैसा, लेकिन यहाँ मैनुअल लॉकिंग दे रखी है, वो भी करीब 500 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। तो मेरे को ये बहुत ही यूजलेस लगा। तो 150 वाला भी अच्छा नहीं था, 500 वाला भी नहीं अच्छा था, और अगर आप इससे और भी महंगा कोई वॉल हैंगर लेते तो उसमें भी भाई दिक्कत आ सकती है। जैसा कि ये वाला वॉल हैंगर है, ये मैंने करीब 800-900 रुपए के प्राइस रेंज में लिया था। तो ये ऑटो लॉक वाला है और देखने में बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ी डिफरेंट सी लुक है। यूजुअली क्या होता है, ब्लैक कलर के होते हैं वॉल हैंगर्स, पीछे वुडन ब्लॉक होता है, लेकिन इसमें क्या है वुडन फिनिश वॉल हैंगर के ऊपर भी है, और जो इसका जो बेस प्लेट है, जो ब्लॉक है पीछे वाला, वो जो है गिटार बॉडी शेप का है, बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा मेरे को। तो 800-900 रुपए में सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जब ये मेरे पास आया तो मेरे को जो है एकदम इनिशियली अच्छा नहीं लगा ये। तो यहाँ पे एक रीज़न तो ये है कि इसकी जो रबड़ की क्वालिटी है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। फील करने में तो ऐसा लगता है कि रबड़ की क्वालिटी अच्छी है, हार्ड रबड़ है, लेकिन ये जो है बहुत स्टिकी है, और ये जो है आपकी गिटार की फिनिश को भी ख़राब कर सकती है। तो स्टिकी रबड़ वाले जो वॉल हैंगर्स होते हैं उनको अवॉइड करिए। दूसरा क्या है, इसको मैंने 3-4 बार यूज़ किया और यहाँ से इसका जो एक स्क्रू था या जो भी एक अटैचमेंट थी वो निकल गई। तो यहाँ से मतलब मैं दिखाता हूँ आपको निकाल कर, ये देखो ये आराम से ऐसे स्क्रू ही निकल गया इसका। तो यार ये चीज़ जो है बड़ी मेरे को दिक्कत वाली लगी कि यार 3-4 बार यूज़ करने के बाद एक 800-900 रुपए का जो वॉल हैंगर है वो ख़राब हो गया। तो ये भी आप ध्यान रखिए, कई चीज़ें जो है आपको देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन जो है वो उतनी अच्छी नहीं निकलती। तो इसलिए मैंने कई वॉल हैंगर स्टैंड ट्राई किए थे जिसमें से जो है जो नहीं अच्छे लगे मैंने वो आपको दिखाए, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को कौन से वाले बढ़िया लगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था 150 रुपये वाला वॉल हैंगर स्टैंड, तो यहाँ पे इसमें पुअर फोम क्वालिटी थी और छोटा स्क्रू थ्रेड था। अब इसी में यार आप जो है मात्र 140 रुपये और डालो तो आपको जो है इससे 10 टाइम्स बेटर वॉल हैंगर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके के वॉल हैंगर मैंने 3 साल पहले भी रिव्यू किया था और उसमें भी मैंने यही मेंशन किया था कि दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वॉल हैंगर्स, और मैं आपको बताऊँ 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके के डिज़ाइन और बहुत बढ़िया है। बस अच्छी बात यह है कि ये और अफोर्डेबल हो गया है। तो ये वाला मैंने जो वॉल हैंगर है ये लिया है नियो वुड का, जो वो वाला वॉल हैंगर था वो था अराउंड 400 रुपये के करीब का, और ये वाला है 290 रुपये का। तो यार ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि और अफोर्डेबल हो गया। इसमें मेन बेनिफिट यही रहता है कि इसकी जो फोम है वो हार्ड है कंपेयर टू दिस चीपर वन, इसकी जितनी सॉफ्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है इस वाले की फोम। और इसके अलावा यहाँ पे जो स्क्रू थ्रेड है, एक बार मैं वो आपको दिखाता हूँ, तो इसका जो स्क्रू थ्रेड है आप देखोगे वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो आप ये भी देख सकते हो साइज़ वाइज अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो आप देखो मात्र 140 रुपीज़ आप और डाल रहे हो तो आपको जो है एक ज़्यादा स्टर्डी वॉल हैंगर देखने को मिलता है, और इसकी बेस प्लेट में आपको एक वुडन ब्लॉक देखने को मिलता है जो कि देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। तो इसका जो फ़ायदा है मेन ये हो जाता है कि इस पर आप किसी भी तरीके का जो गिटार है वो लगा सकते हो। तो अकूस्टिक गिटार आप आराम से टांग सकते हो, इलेक्ट्रिक गिटार आराम से टांग सकते हो, बेस गिटार टांग सकते हो, और यहाँ पे आपके गिटार को ये और एडिशनली सिक्योर करता है इन रबर्स के साथ जो कि बेसिकली ब्लॉक कर देती है इस हैंगर को। तो ये मेरे को काफ़ी ओवरऑल अच्छा डिज़ाइन लगा, और भाई कितना अफोर्डेबल है, मतलब 290 रुपीज़ का ये करंटली मिल रहा है। तो ये मेरे को बहुत ही बढ़िया और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्टैंड लगा। इसके अलावा मैंने जो है थोड़े से डिफरेंट डिज़ाइन वाले वॉल हैंगर्स भी और ट्राई किए थे। तो अगर आपको भाई थोड़ा सा और एक्सपेंसिव वॉल हैंगर चाहिए और थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा यूनिक डिज़ाइन वाला वॉल हैंगर है, और ये है गैलेक्स ब्रांड का। तो गैलेक्स ब्रांड का याद है आपको, मैंने कैपो भी रिव्यू किया था जो कि भाई 500 में बहुत बढ़िया था। तो यहाँ पे मैंने गैलेक्स के कुछ स्टैंड्स भी ट्राई किए और वो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया निकले हैं। तो यहाँ पे ये गैलेक्स का GH100 वॉल स्टैंड है जो कि बस मात्र 500 रुपए का है, और भाई बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, तो पकड़ के ही जो है काफ़ी स्टर्डी लगता है। और इस वाले स्टैंड में भी भाई वही USP है कि इसका जो स्क्रू है, आप देखो यहाँ पे जो स्क्रू लगेगा इसमें कितना बड़ा है। तो यार ये चीज़ जो है मेरे को बड़ी सही लगी। तो ये वॉल हैंगर मेरे को सही में मतलब काफ़ी अच्छा लगा, 500 की प्राइस रेंज में जो वैल्यू ऑफर करता है गैलेक्स, दैट इज़ टू गुड। तो यहाँ पे जो है बड़े आराम से इसमें आप गिटार को लगा सकते हो, और यहाँ पे यार डिज़ाइन बहुत बढ़िया है इसका। और यहाँ पे भाई इसके अलावा गैलेक्स में थोड़े से और प्रीमियम डिज़ाइंस भी आ जाते हैं। एक जो है करीब आपको 800 से 900 की रेंज में देखने को मिल जाता है, एंड दैट इज़ गैलेक्स GH110P। इसके अलावा जो है अराउंड 1000 से 1100 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल जाता है गैलेक्स का GH110W।
तो ये दोनों वॉल हैंगर्स जो है इनका डिजाइन एकदम सेम है, लेकिन इनकी जो बेस प्लेट है बस उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ GH110P में आपको जो है ब्लैक कलर की देखने को मिल जाती है, वही नायलॉन रबड़ वाला मटेरियल की बनी होती है ये, और यहाँ पे जो GH110W है उसमें आपको वही वुडन ब्लॉक देखने को मिल जाता है। तो इन गिटार वॉल हैंगर्स के मेन बेनिफिट ये रहता है कि एक तो ये ऑटो लॉक वाले होते हैं जो कि भाई एक काफ़ी बढ़िया फीचर है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपके अगर थोड़ा सा हेडस्टॉक डिज़ाइन डिफरेंट है, एसिमेट्रिक है, तो ये जो है उस हिसाब से टिल्ट हो जाता है और जो है गिटार को प्रॉपरली लॉक कर लेता है। तो अगर आप एक स्ट्रैट डिज़ाइन इलेक्ट्रिक गिटार लगाते हैं या जैसे यहाँ पे मैंने जैक्सन का इलेक्ट्रिक गिटार टांगा है, तो किसी तरह का भी हेडस्टॉक होगा ये जो है उस हिसाब से टिल्ट हो जाएगा और सिक्योरली लॉक कर देगा गिटार को। लेकिन जब आपने सही वॉल हैंगर चूज कर लिया और जब आप इंस्टॉल करने वाले हैं तो भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि जब आप वॉल हैंगर इंस्टॉल कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो प्लास्टर है वो लूज नहीं है या जो है वॉल खोखली सी नहीं है। तो या तो आप वॉल को नॉक करके देख सकते हैं, उससे ही फील हो जाता है, या जब आप वॉल को ड्रिल करते हैं तो अगर बहुत आसानी से जो है ड्रिल हो गई और जो है आपको फील हो रहा है प्लास्टर लूज है तो अवॉइड करिए ऐसी वॉल पे ये गिटार हैंगर लगाना। इसके अलावा जो स्क्रूज यूज होते हैं और जो वॉल प्लग्स जो कि भाई देसी भाषा में गिट्टी बोलते हैं, वो जो आप यूज कर रहे हैं वो आप देख लीजिए कि सही क्वालिटी की हो। जैसे यहाँ गैलेक्स के साथ जो है आपको अच्छे बड़े स्क्रूज और जो है अच्छी क्वालिटी के वॉल प्लग्स मिलते हैं, लेकिन कई वॉल स्टैंड्स के साथ जो है आपको छोटे स्क्रूज देखने को मिलेंगे और जो ये गिट्टी या वॉल प्लग्स जो होंगे वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आप वो अलग से खरीद के रखिए। तो यहाँ पे अगर आप जो है थोड़े बड़े स्क्रूज यूज करते हैं और थोड़ी बेटर क्वालिटी के वॉल प्लग्स यूज करते हैं तो इससे जो आपका वॉल हैंगर है वो काफी स्टर्डी रहेगा और काफी लंबे टाइम तक चलेगा। और पांचवा पॉइंट है कि आप जो है एक बेसिक मेंटेनेंस रूटीन अपने गिटार का जरूर रखिए। यहाँ बेसिक मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हर थोड़े दिन में जो है गिटार पे आप जो है एक क्लॉथ से वाइप कर दीजिए जो भी डस्ट आती है, क्योंकि यहाँ ओपन में गिटार रख रहे हैं तो यार थोड़ी बहुत डस्ट तो जरूर आएगी उस पर। तो टाइम टू टाइम अगर आप अपने गिटार को जो है एक कॉटन या माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करते रहते हैं तो वो बेटर रहता है, ओवरऑल आपके गिटार जो है मेंटेन रहता है। और इसके अलावा हर प्रैक्टिस सेशन के बाद अगर आप स्ट्रिंग्स पे भी जो है क्लॉथ वाइप कर देंगे तो उससे जो भी स्वेट होता है वो रिमूव हो जाता है, और ओपन में भी जैसे कि आपने गिटार को हैंग कर रखा है तो आपकी स्ट्रिंग जो है ओवरऑल मेंटेन हो जाती है और उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो बस ये एक बेसिक मेंटेनेंस रूटीन अगर आप रखेंगे तो आप जो है गिटार को आराम से बाहर रख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी। अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो उसको कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसके लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।